भगत सिंह जन अधिकार यात्रा आने वाली 12 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक देश के अलग अलग इलाकों में निकाली जा रही है। इस यात्रा में भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI, बिगुल मजदूर दस्ता, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जैसे तमाम संगठन शामिल हैं। यात्रा का मकसद ये है कि आज कहीं ना कहीं जो जनता के असली मुद्दे हैं उनको छुपाने का काम किया जा रहा है, उनको ढकने का काम किया जा रहा है और जनता अपनी असली मुद्दों पर संगठित ना हो इसके लिए सांप्रदायिकता का एक लहर, एक उन्माद भी फैलाया जा रहा है। अगर हम अभी पिछले 2014 से लेकर अब तक के तमाम आंकड़ों पर भी गौर करें तो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये इन आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो बेतहाशा तरीके से बढ़ोतरी हुई है। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार का सृजन करने का दावा करने वाली मोदी सरकार कोविड के टाइम से अब तक लगातार नौकरियों को कम करती रही है। जो नौकरियां लोगों को मिल भी रही है वो प्राइवेट सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में है और ठेके पर काम हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की नौकरियां उनको लगातार खत्म किया जा रहा है। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को कहने के लिए नहीं, अब तो सरकार करके दिखा रही है कि एक बाजारू माल बना दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का बाजारीकरण, भगवाकरण किया जा रहा है और आम घरों के लड़के लड़कियों को जैसे कि हम शॉपिंग मॉल से कोई सामान खरीदते हैं वो शिक्षा आप यूनिवर्सिटी से खरीद पाए इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पिछले 8 सालों में महंगाई तमाम आवश्यक सामानों में, सेवाओं में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। 10% से लेकर 150% की बढ़ोतरी हुई है। रसोई गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो और हम जानते हैं कि ये कोई ऐसा भूकंप जैसा कोई आपदा नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था। आम जनमानस को इस यात्रा के दौरान क्या सुविधा, मतलब किस टाइप की सुविधा देना चाहती हैं? नहीं, हम सुविधा नहीं देना चाहते, सुविधा देने वाले तो सरकार के लोग हैं ना। सरकार किस लिए? जैसे सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती है, सरकार जो है वो भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगा सकती है, तो सरकार किस बात की है? वो चुनके इसलिए थोड़ी गए हैं कि वो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला बड़े पूंजीपति और छोटे पूंजीपतियों की तिजोरी भरे। लेकिन आजकल काम यही हो रहा है और तमाम चुनावबाज पार्टियों ने यही काम किया है। बीजेपी इसी काम को बहुत धड़ल्ले से कर रही है, बहुत ताना शाहाना तरीके से, एक फांसीवादी पार्टी जैसे काम करती है वैसे कर रही है। हम जनता को संगठित गोलबंद करने की इस मुहिम में जो जनता के असली मुद्दे हैं उनको ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है जिंदगी के संघर्ष में, जिंदगी की रोजमर्रा के जद्दोजहद में लोग कभी कभी जाति धर्म के नाम पर, नकली मुद्दों के नाम पर उन्हीं को बताया जा रहा है कि आज उनके घर के बगल में रहने वाला मुसलमान उनका दुश्मन है। हिंदू मुसलमान करके आप कह सकते हो कि मंदिर मस्जिद करके लोगों को उनके असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो जनता को उनके असली मुद्दों पे संगठित किया जाए। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की शुरुआत इसी मकसद से की जा रही है। जाहिर तौर पे ये हम नहीं देंगे। आज अगर हम मांग उठा रहे हैं कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, बसनेगा का कानून पारित किया जाए, जो श्रम कानून में तब्दीली की है मोदी सरकार ने वो वापस ली जाए, जो नई शिक्षा नीति आम घरों के लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बाहर कर रही है उसको रद्द किया जाए, इसके साथ ही सर्वधर्म संभाव की जो ये नकली सेक्युलरिज्म की पूरी आप कह सकते हो तूती बोल रही है, इसके खिलाफ आज सच्चे सेक्युलरिज्म की बात होनी चाहिए। क्या है वो सच्चा सेक्युलरिज्म? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि राज्य का धर्म से पूर्ण रूप से विलगाव, सामाजिक जीवन में धर्म का इस्तेमाल ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है और ना उसका नेता कर सकता है, लेकिन आज ये मसले हमें उठाने पड़ेंगे, लोगों को इस पर एकजुट करना पड़ेगा और सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वो इन सारी मांगों को माने। इसलिए सरकार को काम करना है, हम जनता को संगठित गोलबंद करने का काम कर रहे हैं और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा 12 मार्च से 14 अप्रैल तक दिल्ली और देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन तमाम राज्यों में हमारी टोलियां निकलेंगी और जनता के बीच में भगत सिंह के विचारों को और इस यात्रा के मकसद को ले जाने का काम। पूरे कार्यक्रम, इस पूरे यात्रा के दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें कि सबसे मुख्य कार्यक्रम जो नौजवान भारत सभा का के आदर्श भी है भगत सिंह के विचारों को, जो विचार ये कहते हैं कि जनता को गोलबंद किया जाए,
धर्म जात की जो राजनीति से उनको बांटा जा रहा है, जो पहले अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे, उसको नाकाम करने के लिए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनके तमाम जो मसले हैं, जैसे महंगाई जिस कदर बेतहाशा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार का ये जो मसला है, एक तो भ्रष्टाचार छोटे मोटे जो टेबल के नीचे से होते हैं वो, उससे बड़ा भ्रष्टाचार ये जो अडानी अंबानी जैसे लोग करते हैं, उससे पहले नीरव मोदी जैसे लोग करके गए, विजय माल्या जैसे लोग करके गए, ये है असली मुद्दे हमारे। और नौजवानों के लिए तो सबसे अहम मुद्दा है एक समान व निःशुल्क शिक्षा का मुद्दा, जो कि उनको सबको पढ़ने का अधिकार देगा, और दूसरा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, और हर किसी को रोजगार देना यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह संविधान में जो हमारा गरिमापूर्ण तरीके से जीने का हक जो दिया है, उसका केवल और केवल तभी वो संभव हो सकता है जब सबको रोजगार के समान अवसर मिले।